चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर भी बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा भारतीय राजनीति में दशकों तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस भ्रम में जी रहे हैं और उन्हें जैसा लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो आने वाले समय में चुनाव नहीं जीत पाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। Like it was for first 40 years for Congress, BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't, that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just a matter of time when people will throw him away. That's not happening. So come into go. देखा आपने कि प्रशांत किशोर ने किस तरह जमकर बीजेपी की तारीफ की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को सपना देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। चुनावों से पहले प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अगर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बात कही वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर नहीं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।